आपका एक बार फिर से स्वागत है सिंह ऑटो ज़ोन के नए एपिसोड में। दोस्तों मुझे अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि सर किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल स्कूटर के बारे में बताएं जो इसका प्राइस कम हो, क्योंकि उनकी रनिंग कम है, उनको सिर्फ बेसिक घर में रखना है, कभी घर से मार्केट चले गए, बच्चों को लेने स्कूल चले गए, सिर्फ इस पर्पज के लिए चाहिए, डिस्टेंस कम ही उनका रनिंग रहेगा। तो ऐसे में एक अभी हाल में जो ओकिनावा का स्कूटर लॉन्च हुआ है, स्लो स्पीड स्पेशली डिजाइन किया गया है इसी पर्पज के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि वुमेन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ जस्ट ट्यूशन तक ही जाना है या मार्केट तक जाना है, या ओल्ड पीपल जो कि बिल्कुल ज्यादा स्पीड से नहीं चला सकते, तो जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम 25 किलोमीटर की, वो उनके लिए सफिशियंट रहती है। तो उस पर्पज के लिहाज से ये एक बढ़िया ऑप्शन है। तो आज इसी स्कूटर के बारे में बात करें, इसका प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सर्च कर रहे हो उसका थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा जो लास्ट मंथ लॉन्च, दो महीने पहले लॉन्च हुआ है ओकिनावा का ही प्रो, आई प्रेस प्रो, उसके साथ भी थोड़ा सा उसका कंपैरिजन हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओकिनावा लाइट, इसका प्राइस आफ्टर सब्सिडी तो इस पर नहीं मिले क्योंकि इसकी स्पीड 25 किलोमीटर है, तो उस लिहाज से इस पर सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है, बट स्टिल इसकी जो प्राइस है तकरीबन 60,000 इसका प्राइस है। टॉप स्पीड 25 किलोमीटर की आपको यहाँ मिलने वाली है, रेंज 60 किलोमीटर की रहेगी और सिंगल चार्ज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है और उस हिसाब से इसका प्राइस भी है। 1.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलेगा, 40 वोल्ट जिसकी पावर आउटपुट रहेगी। बैटरी एंटी थेफ्ट फीचर के साथ है जो कि एक अच्छा इसमें पॉइंट है। उसके अलावा आपको मोटर और बैटरी पैक पर 3 साल की वारंटी भी मिलेगी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एक स्लो स्पीड स्कूटर है तो आपको फेम सब्सिडी इस पर नहीं मिलने वाली है। डिटैचेबल बैटरी ऑप्शन रहेगी, मीन्स आप इसको निकाल कर घर ले जा सकते हो, वहां पर घर पर इसको आराम से चार्ज कर सकते हो, 4 से 5 घंटे के बीच में ये आराम से इसके लिए इसकी चार्ज हो जाती है। ओवरऑल गाड़ी का वेट 150 किलोग्राम है, तो ऐसे में इसको सभी हर तरह के एज ग्रुप के लोग इसको इजीली चला सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। यहाँ पर एक बेसिक सा डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिलने वाला है। प्लस पॉइंट जो मुझे यहाँ इसके बाकी ओकिनावा के बाकी स्कूटर्स के मुकाबले यहाँ देखने को मिल रहा है वो है इसका बूट स्पेस। बिल्कुल यहाँ पर 17 लीटर की बूट स्पेस मिल रही है, जबकि अदर्स में, आई प्रेस में और आई प्रेस प्रो में ये दिक्कत है, इवन एक सिंगल हेलमेट भी उसमें नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर बूट स्पेस आपको अच्छी मिली है स्पेशली स्कूटर में। उसके अलावा एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स स्टाइलिश आपको मिलने वाले हैं, रिजर्टिटी ब्रेकिंग जो कि मैं बड़ा अच्छा फीचर्स मानता हूं, ये भी आपको इस स्कूटर में मिलेगा। एलईडी लाइट्स फ्रंट एंड बैक आपको एलईडी लाइट्स भी मिलेंगी, सेल्फ स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन भी यहां मिलने वाला है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये पर्पज है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, स्लो स्पीड के लिए, जिनको इस तरह की रिक्वायरमेंट है। 60,000 इसका प्राइस निकल कर आ रहा है, लेकिन अगर आपका लगता है कि नहीं ये आपका पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा, तो एक और ऑप्शन है जो हाल में ही 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है, आईप्रेस प्रो, जिसका प्राइस है 72,000 यानी कि 72,000 इसका प्राइस निकल कर आया है। इस पर आपको ज्यादा स्पीड, ज्यादा रेंज, ज्यादा फीचर लाइक ड्यूल डिस्क ब्रेक, ये सब आपको इसमें मिलने वाला है। नेगेटिव पॉइंट वहां पर एक है जो है वो बूट स्पेस, बिल्कुल एक बूट स्पेस सिर्फ 7 लीटर की, 7 लीटर की आपको मिलेगी, यानी कि एक सिंगल हेलमेट उसमें नहीं आ पाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपके यूजेस का है, अगर बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस है देन गो फॉर लाइट, अगर आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा चाहिए, डिस्टेंस आप ज्यादा कवर करते हो डेली, तो उसमें प्रेस प्रो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल आज के लिए, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, जय हिंद।